आपकी लीडरशिप के लिए एंथुसियाज्म कितना होना चाहिए? राजेश सोलानी जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, एंथुसियाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमने सीखा, जैसे कि सोबरनेस बहुत जरूरी है, एंथुसियाज्म भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आज आप लोगों को बहुत सारे, बहुत वैरायटी के मसाले, खाने, टेस्ट हर तरीके का मिलेगा। खाने की जरूरत है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये तो जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब एक और शहर में चलते हैं। ये शहर ठंड का शहर है और वहां पे ऊनी कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, गंजियां बहुत अच्छी मिलती है, बनियान्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये शहर, हमारे शहर का नाम है लुधियाना। और यहाँ पे एक हमारे बोर्ड मेंबर हैं, मिस्टर हरीश नागपाल जी। बहुत ही डिफरेंट तरीका है उनका काम करने का, एजुकेशन, पढ़ाई 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 एंड नॉलेज, उनका फोकस ही नॉलेज रहता है, नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजी को यूज करना। और नॉलेज अगर नहीं है या नॉलेज को अगर इंपॉर्टेंस या एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, उसके बिना आगे कुछ करते ही नहीं है। तो ये और एक, देखिए हम लोगों ने पहले स्किल देखा, ओके, फिर एटीट्यूड भी देख ली, अब आइए चलिए नॉलेज देखते हैं। सो वेलकम मिस्टर हरीश नागपाल विद अ बिग अप्लॉड। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। I know I don't have a habit of coming on this side. Rather, I'm most of the time on that side of the YouTube. It's like a new experience for me. Actually, I'm a chartered accountant by qualification. I'm a CMA also, CFA also. So normally I don't know, but Kanak Bhai ne mera naam wahan pe aisa dal diya. तो आई वाज सरप्राइज, मुझे आदमी देखा सा लग रहा है। बट एमएफआरटी एंड आई हैव अटेंडेड आई थिंक लास्ट 4-5 एमएफआरटीज, तो आई डोंट नो, बट समहाउ आई हैव बीन फॉलन इन लव विद दिस थिंग। एंड इन डेमोक्रेसी दे से ना, इट इज, व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो आई से एमएफआरटी इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ द एफएस, by the FS and for the FS. And the thing is, I've learned so much from these guys. Again, like, it is very difficult to explain. It is a knowledge sharing platform. Every year, you see, we are Mr. Bhatt, he's from Chennai. Rajeshji is from both Rajesh, from different places. When all these people come at one place, and you get an ideas from somebody from South is telling you one idea, somebody from other places sharing one idea with you. Last night also they shared, we were talking on some matter and he shared one idea with us. My total perspective about that particular thing changed. This is the benefit of all these things what we do at MFRT. Okay, chalo, ye to ho gaya. Abhi iske baad, normally I जो पंजाबी होते हैं ना, वो 8 बजे के बाद इंग्लिश जरा ज्यादा अच्छी बोलते हैं। तो माय सब्जेक्ट टुडे इज, वैसे आई वाज टेलिंग यू, आई स्टार्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स आई थिंक 1989, आई थिंक इट वाज लॉन्ग बैक। द थिंग वाज, माय वन ऑफ माय क्लासमेट वाज अ स्टॉक ब्रोकर। तो उसके बाद कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है, तो आई लेफ्ट इट। कुछ सब जितने पाप होते हैं ना सर स्टॉक मार्केट में, आप सोच सकते हो मैंने सब किया है। दिस इज ऑल जो भी वो काम किया। उसके बाद माय टॉपिक टुडे वाज, उन्होंने बोला कुछ बोलना है, तो आई यूज टेक्नोलॉजी लाइक एनीथिंग। तो दिस इज मी फ्रॉम, नॉर्मली आई यूज टेक्नोलॉजी इतना। और उसमें क्या, अभी सुबेश श्री कौन थे वो जो सेशन, निलेश नहीं, वो आशीष, टेक्नोलॉजी में, बट अल्टीमेटली मैं देखता हूँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इतना कुछ खास भी नहीं है। पहले हम लोग कट्टी करते थे, आजकल ब्लॉक कर देते हैं। इट इज स्मॉल थिंग, बट वी आर, बट इफ यू यूज टेक्नोलॉजी, एक्चुअली you have different mentors also, बहुत सारे mentors होते हैं आपके। तो one of them is Ritesh Jain, he's from Delhi, he's IFA from Delhi. तो मैं उनकी चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ। बोलते कि यार ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, RIA हो गया, कुछ भी है। तो बोला कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू हैव 100 करोड़ AUM, बट आई वांट 100 करोड़ फॉर माई सेल्फ। मतलब मेरा अपना होना चाहिए ना यार, तो कैसे भी आया वो चलेगा, ठीक है। तो अपना 100 करोड़ चाहिए,
तो उसके लिए और एक्चुअली मैं कोई काम भी नहीं करता हूँ. आई यूज टेक्नोलॉजी टू सच एन एक्सटेंट. आप लोगों को लगता होगा मैं इस जनवरी में 15 दिन बाहर हूँ, ठीक है. एंड दिस इज लाइक आई एम प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्फ्रेंस. आई एम आई इक्विटी मेरा पूरा मेरे इसके अंदर घुस रखा है. तो ऑल द कॉन्फ्रेंसिज आई अटेंड एंड माई टीम इज डूइंग दिस एंड and it is all due to technology. I'll be sharing some apps with you which I use on everyday basis. Okay? So, and technology ka aur fayda. I am a trainer for NISM and CIL. Uma Shashi Kant ji aapko pata hai unka. To ab main unse bhi kaise mila? No, no. On Facebook. Unhone ek ad dala ki they need trainers. I applied. My last 10 clients came from Facebook. मैं रोज इतना कोट लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ. लोग मेरे को आजकल कभी अभी अभी यहीं पे भी दो चार दोस्त हैं, बोले यार आपके कोट्स बहुत अच्छे होते हैं जो भी आप लिखते हो. तो मेरी पहचान ऐसे बन गई है कि मैं जाता हूँ और लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, यार बहुत ही बढ़िया कोट लिखा था. वैसे ही मेरे क्लाइंट्स में हो गया है. वट एवर आई एम राइटिंग ऑन फेसबुक और शेयरिंग ऑन फेसबुक, तो दिस इज वन थिंग विच आई यूज. लाइक दिस इज गूगल ट्रेंड्स. This is a web based platform. यानी आप जाके Google Trends में you can see. तो इसमें क्या है, आप कोई भी word, जो भी आप जैसे कोई latest fad है, so there is one word. तो अब जैसे I tell you, for example, this is about BSE Sensex. This word, this tell you how many time this got searched vis-a-vis the other searches on Google. You can even throw it by on YouTube and all these things. So see, in 2008, Sensex was searched itna time. See, the next time it got, it was the first time it was the top, next time it is the bottom. So this way, you get an idea, which at least, and you can try any number of words. So I have shown something like, this is the Bitcoin. So this is the highly searched item on net today. And the Google, this is telling you it will fall. That is, Google is telling you now it is reached this thing and it is preempting it. Like वो जो dot dot दिख रहा है ना, वो आगे से वो बता रहा है. वो ऐसा शायद उसको लगता है होगा नहीं होगा. तो something interesting is you can even look for something like Narendra Modi, Rahul Gandhi, Indian National Congress. This is about stock market. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी इतना नहीं हुआ है जितना लोग बोल रहे हैं. 2008 का पीक सी और अभी तो है. बट दिस इज द थिंग मल्टीबैगर. नाउ पीपल आर सर्चिंग फॉर वर्ड्स लाइक मल्टीबैगर एंड दिस इज मिड कैप. दिस यू कैन ऑलवेज मॉर्निंग आई इफ यू हैव सर्टेन वर्ड. फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ ब्रेक्सिट if you had searched this word there was only one peak. You could easily make it, yaar chala jayega, isme kuch nahi hai khas. So this is one thing. And everybody talks about team. Sorry. So I'll tell you one story. Ek parrot hai bazaar mein bik raha tha parrot. To ek aadmi gaya usko khareedne ke liye. Bola bhaiya kitne ka hai? Bole ye 10,000 ka hai. Bole kya kaam karta? Bole yaar ye excel mein expert hai. तो दूसरा बोला ये दूसरे वाला बोला ये 15,000 रुपए का है. बोला अब क्या कह रहे ये मैक्रोस भी लिख लेता है नहीं और अच्छा है. बोला ये तीसरा वाला बोला ये तो कुछ भी नहीं करता लेकिन इसका रेट 25,000 है. बोला क्यों कह रहे बाकी दो लोग इसको बॉस बॉस बोलते हैं. तो आई एम दैट तीसरा वाला. तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरी टीम करती है. तो दिस इज वन ऐप विच हेल्प्स मी सर. दिस इज एन ऐप विच इज डन बाय फेसबुक. आसाना करके ऐप है, 15 लोगों तक फ्री है. आप अपनी टीम को कोई भी काम दे सकते हैं, कोई भी आप उनको बोलते हैं. अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने रात को लड़के को बोला इस आदमी को फोन कर ले, ये बिल्कुल उसके लैपटॉप पे उसके मोबाइल पे और उसको एक ईमेल चला जाएगा कि दिस वर्क ही हैज टू डू और उसके सामने रहेगा, ठीक है. और जब तक वो उसको क्लिक नहीं करेगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा, वो उसके सामने ही रहेगा. मेरे को भी पेंडिंग में दिखता रहेगा, उसको भी पेंडिंग में दिखता रहेगा. लोगों को यही प्रॉब्लम है कि सुबह जाके उसको काम क्या देना है लड़के को, तो आप बाथरूम में बैठे हुए भी काम दे सकते हो. मतलब एवरी टाइम स्पेल ऑफ द ऐप ASANA आसाना, ठीक है. तो दिस इज अ ब्रिलियंट ऐप फॉर टीम मैनेजमेंट. आसाना का मतलब वही है, अपने यहाँ आसन बोलते हैं ना. तो दिस इज दैट ऐप. दिस गाइस, दिस ऐप इज बाय दिस फेसबुक गाइस, जो उसके दो पार्टनर थे ना, उन्होंने बनाया. इट्स अ ब्रिलियंट ऐप
must use, told to me by one of my good friends from Jaipur only, Ashish Madani. He uses it. उन्होंने मेरे को ये बताया था. उसके बाद मैंने इसको incorporate किया. बहुत ही बढ़िया. तो दिस इज वन अदर ऐप विच आई यूज ऑन अ डेली बेसिस. आप लोग कितने पासवर्ड याद करते हैं सर? एवरी डे यू हैव सो मेनी ईमेल्स, यू गो टू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वेबसाइट्स, यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी पासवर्ड्स. तो लास्ट पास इज वन थिंग विच इज अ पासवर्ड कीपर. आई हैव बीन यूजिंग इट 5-10 इयर्स. अभी मतलब जब से चलाया तब से आई एम यूजिंग इट. And it is the last password you will have to remember. You can store all your passwords there, and then remember this one password. Huh? Remember this one password. This one password. Okay. So this is a good habit. It saves you a lot of time. You don't have to remember this, because all the time when your brain is idle, then you can do many other things. Okay. Okay. Now, what is this here? WhatsApp तो हम रोज यूज करते हैं यार. लेकिन this is what I do to save. This I think will be helpful. And one thing more, you can inquire your clients, you can tell your clients about what you are doing in technology, and they will love to hear from you. Now, what I do, you just see how many of you receive lot of books, lot of mutual fund material, and lot many things on WhatsApp. What I have done is, I have made my own group where I am the only member. I constructed a group of two people. उसको बाहर निकाल दिया. Now I am the only one. So I have named it my books. So if someone sends me books, so I just post it to that group. My books. If someone sends me a stock market related content, I put it to that group. Or my magazines. Or my travel. I travel a lot. So this is one thing which I do so that it saves you a lot of time. आप सोच रहे हैं आपको बाद में जाके देखना है कि मेरा ये स्टॉक मार्केट में अच्छा वो बट साहब इधर श्रीकांत जी ये तो इतना कुछ बेहतर रहेंगे तो आपको मतलब देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट टू योर ओन ग्रुप वेयर यू आर द ओनली मेंबर एंड व्हेन यू हैव फ्री टाइम ऑन सैटरडे संडे यू कैन काइंड ऑफ थिंग. ओके, दिस इज वन थिंग व्हिच आई यूज. दिस इज अ बुक कॉल्ड चेकलिस्ट मैनिफेस्टो. दिस बुक इज बाय मिस्टर अतुल गवांडे. He says, wherever there is a risk involved, so you should make a checklist. You see, in ICU there are checklists. ICU mein checklist hota hai na, sir? So, वैसे जहाँ पे भी dangerous चीज़ है, aeroplane उड़ते हैं तो पहले there is a checklist. So, this is one app by Google, which is Google Keep. Okay, it is free. You can make your checklist, Google Keep. You can make your notes. अभी रात को there was a meeting. Most of the people were noting down and later. लोग वहीं अपना नोटपैड खोल के चले जाते हैं. तो बेस्ट वे इज अभी डोंट यूज दिस पेपर एंड ऑल दिस थिंग्स. यू आर हैविंग अ नोटपैड विद यू. गूगल इज देयर. यू कैन इवन टेक अ नोट्स. बाद में जाके कोई बनाएगा भी नहीं नोट्स. ऑन गूगल कीप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द क्लिप्स, यू कैन डू रिकॉर्डिंग, यू कैन मेक दिस चेकलिस्ट, यू कैन इवन SMS दिस चेकलिस्ट. आपने कोई चेक फॉर एग्जांपल दिस इज माय ट्रैवल चेकलिस्ट, दिस इज माय पेंडिंग वर्क्स. This is actually my Google Keep. Copy of this print is of my Google Keep, which I have done. And then many other things. Just try to explore this thing. This will help you. Okay, this is one more thing which is like Canva. Canva. I don't know how many of you use this. We people are all the time thinking, yaar, mereko kuch banana hai, I'll send it. Happy New Year ka, kahin se aayega, usko aap wo karoge. This is such a simple app. Such a simple app where you can make anything. You can make a Facebook cover, you can make a Twitter or this photo or everything. Anything you want, you can make it in 1 minute, I think. Less than 1 minute, you can make it under your own brand. Okay? No need to learn all those Photoshop skills and all. They have done it, everything so simple, you can use it. Okay. Now this is YouTube. ये क्या? मैंने कनक भाई का भी फोटो डाला है. पर आगे रिलेट भाई है. अब देखिए इसमें क्या है? हम लोगों को सिर्फ टाइम का कितना शॉर्टेज रहता है. कितना शॉर्टेज है? I don't know. You people have explored it now. I read a lot.
I listen a lot. So for listening, what you can do is, there is one this thing, what you call, you can increase the speed. If Kanak bhai speaks at 1 or 1.5, I can easily understand him. But that 6 minute app, if it is, we are listening at 2 times the speed, instead of 8 minutes, you are spending how much time? 4 minutes. So this is a saving of 4 minutes. Okay, so you, and you know what he is going to speak. Most of the time you know what this guy is going to speak. You just want to listen. एक बार सुन लेते हैं यार क्या बोल रहा है तो दिस हेल्प्स इन दैट वे दिस इज अगेन अ प्रोडक्टिविटी थिंग देन दिस ऐप पॉकेट व्हिच वाज अर्लियर कॉल्ड रीड इट लेटर वन थिंग गुड अबाउट टेक्नोलॉजी इज देयर आर मेनी एप्स आई यूज बट दिस इज वन ऐप व्हिच आई यूज डेली बिकॉज इफ यू समटाइम्स ऑन वीकडेज यू कांट यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रीड इट लेटर व्हाट यू कैन डू इज You can just save to pocket and it gets saved. Okay. For example, on Twitter, there is one more app, next app which I am going to show. Anything which I like, it gets saved to pocket. It is on your computer. You are traveling in a plane, offline सारा पढ़ सकते हैं आप. और clutter के बिना, no ads. आप plane में बैठे हो 2 घंटे. Pocket is one thing which you should use. Any web browser you are there, you like the website, don't bookmark it. Just pocket it. It will get saved. Any article you are looking, just bookmark it. Don't bookmark it. Just go to pocket and save. On this also, anything you can save to pocket. So pocket is one thing which you can read later on your weekends. Okay. This is one of the brilliant thing which I use and it is awesome. This is if this, then that. You can make your own rules between 2-3 apps. For example, on Twitter, I have made a rule, if I like anything, it goes to pocket. Okay. Even I have constructed something on my mobile, if I press a button using this app, the SMS goes to my brother that I need help and this is my location. You know, there are apps on computer where you can know where your all family members are all the time. 360. Yes. So you know where your family members are. Okay. And one thing more, IFTT you can do whatever you wish. आपके दिमाग में कुछ भी आएगा आप लिखो. आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम. आपका मोबाइल नॉर्मली घूमता रहता है लोगों का कि वो अनम्यूट हो गया है. Today with the help of this app, if you send a SMS unmute on my mobile, no, the ringer will go up. Okay, you just have to send a SMS unmute. Okay, it will unmute. So this is all possible to do. If this, then that. These are okay. One thing more. Let us do one exercise. Just my presentation is not that long. It means I have to send to my anybody. Phone. Anybody if sending to my phone will. Yes. But I am just telling you, for example, your phone is lost. Okay. Yeah. Then you can send from other mobile unmute message. Through this app. Not through this app, normal message. Normal message. But you have to send that code. You have to send. Use this, explore this. Aapko bahut kuch milega isme. Itna kuch hai ki aap soch nahi sakte. Then this is brain. Aap log subah se baithe hain, thoda aapko ek exercise karata hoon. Bilkul seedhe hoke baithiye, please. Let me show you the importance of this. अब मैं जो भी बोलूंगा आपको करना है ठीक है टच योर हेड टच योर चीक्स टच योर चिन टच योर आईज देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स ओनली बाय लुक जब लुक तो उनको इमेजेस चाहिए तो दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर विच लेटर ऑन मतलब फॉर अ लिमिटेड पीरियड इट इज फ्री बट दिस वाज टोल्ड टू बी by one of a great teachers मतलब उन्होंने ट्विटर पे ही पढ़ा मैंने उनसे प्रोफेसर बख्शी हैं तो he writes a blog very good blog and in that case this is one thing where you can make mind maps so I'm doing one course on 20th on Bombay on mind mapping so this is my latest passion I'm just studying it so I want this is where you can make create images and all this thing so this is one software or one app you should if somebody is into images and he is think in images so this might be helpful You can take printouts also. Yes. I am using the brain, mind mapping. Mind mapping.
You can do, you can even post it, you can do this. Okay. So these are two things, Evernote and these are just note taking things. You can, somebody who wants to write a book, somebody who wants to write a journal, every day you are writing. So these are two things. For example, I'm into training, so I use OneNote for training. For a particular subject, whatever material I get, I put it on OneNote. And if something like Evernote, for example, you are texting with your wife. Every day वो आपको इतना SMS भेजती है, तो this is like more personal than a email and less interrupting than an SMS. तो आप you can do a shared Evernote with your wife. वो जो भी लिखेंगे वहाँ पे आता रहेगा, आप जो भी लिखोगे तो वह. Even you can put videos and then search those words which were spoken in those videos. It will tell you at that particular time this is there. Evernote is such a powerful tool. I don't know how many of you are using it, but in all your presentation, stop taking notes on by pen or pencil. Everything you should do either on Google Keep or on Evernote or on OneNote. All are syncable. If you write here, you can go to your phone and then you can do and all. Other things also, many apps I use. The great ones are like somebody is interested in stocks, so Stock Edge is one. The guy in Calcutta only made it, and one of my friends Vivek. Then there is a Sakrina.in. If somebody is interested in stocks and all, it's a brilliant app. If somebody asks you about any stock, because he sees the portfolio of, and then he sees this stock is there, just go to Sakrina. This is by my good friends from Lucknow, and please go through that also. So this is all, and there are many apps actually. The time is scary. So if anybody has questions, वैसे life में real questions, this is my belief. Because for example, when real questions don't have answers, they have approaches. For example, the real question can be, what should Rahul Gandhi do? Yeah, उसका कोई answer नहीं है. There are only approaches. So this is all. Thank you.